नमस्कार, मैथिली न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा बिछवा में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आलोक साथ के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को कैलेंडर वितरित किए और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। देखिए हमारे संवाददाता विवेक कुमार की ये रिपोर्ट। ये समाजवादी पार्टी ने 7 से 20 तारीख तक पूरे प्रदेश में ये समाजवादी पार्टी ने विकास कार्य किए, उनको घर घर तक हम लोग पहुँचा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बाजार के बच्चे 2014 कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियाँ लगाएंगे और किसान का कर्ज माफ़ करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई काम नहीं किया। और 15 लाख की बात कही थी, वो भी घोषणा एक ऐसे झूठी बातें हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग लोकसभा की तैयारी में लगे। हमारी कमेटी की, बूथ कमेटी की पूरे विधानसभा में बैठकियाँ चल रही हैं, पूरे जनपद में कार्यक्रम चल रहे हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 7 से 20 जो कार्यक्रम हम लोगों के बीच में रखा है, प्रदेश उनके निर्देश पर हम लोग गाँव गाँव जा रहे हैं और आम जनमानस को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी केवल खोखले बाजे करती है, झूठ बोलती है और इसके अलावा इनके पास कोई चाह नहीं। आरक्षण जो 10% आरक्षण ब्राह्मणों को सवर्णों को दिया है, उसमें आपको क्या कहना है? देखिए आरक्षण की बात है, अब आरक्षण से कितना लाभ होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। आप उसके समर्थन में हैं क्या? हमारे प्रोफेसर साहब नेताजी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी, जब उन्होंने कहा कि पत्रकारों से, जब पूछा पत्रकारों ने उनसे, तो उन्होंने कहा कि हमने बिल पास कर दिया और सबको समान अधिकार मिले। और मेरा आपके माध्यम से ये भी कहना है केंद्र की सरकार से कि जितनी भी जातियां हिंदुस्तान में रहती हैं, तो जातियों का आंकड़ा निकालें, उसी आधार पर भी आरक्षण की व्यवस्था करें जातिगत। कि आप भी आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी का सहयोग करें। ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल झूठ बोलती है, इसके अलावा कोई काम नहीं। बहुत बहुत